तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बल्ब को जला के आपको पैसा कैसे अर्निंग करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बल्ब को कैसे जला रहा हूँ और यहाँ पे मेरी अर्निंग हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप यहाँ से बल्ब को जला के पैसा कैसे अर्निंग करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सिंपल सा ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से ईमेल आईडी और भी कुछ यहाँ पे डिटेल आ जाता है जिसको फिल करके आप यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको बल्ब जलाना है, स्पिन करना है, स्केच कार्ड है और यहाँ पर वॉलेट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से बल्ब जला के अर्निंग करना है। उससे पहले वो यहाँ पर रेफर करके भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो आप जो भी चाहें आप यहाँ से अपने फ्रेंड के पास रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको बताता हूँ कि यहाँ से बल्ब को कैसे जलाना है, ठीक है। तो सिंपल सा इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको 20 टास्क मिल जाते हैं, यानी 20 कोई भी बल्ब को 20 बार आपको यहाँ से जलाना है। जलाने के सिंपल से आपको क्या करना है, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से टास्क को कम्प्लीट हो जाता है और देख सकते हैं यहाँ पे मुझको 12 क्वाइन मिल गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से कुछ टाइम मिल जाएगा कि यहाँ पे 10 सेकेंड 12 सेकेंड के बाद आप फिर से दूसरा बल्ब को जला सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते ऊपर टाइमिंग चल रहा है, ये टाइमिंग खत्म हो गया। तो एक बार फिर से मैं यहाँ से आपको बल्ब को जला के दिखाता हूँ, ठीक है। इस पर किसी भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्रचार भी देखने को मिल जाएगा जो आप यहाँ से देख के कट कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं फिर से मुझको यहाँ पे कुछ कॉइन मिल गए और कॉइन जो भी मिलेगा आपको यहाँ से वॉलेट में एड होता जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा बैलेंस जो भी मिला है एड हो गया है। तो इसी तरह आपको क्या करना है कि 20 बार आपको यहाँ से बल्ब को जलाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 20 टास्क को यानी 20 बार आप बल्ब को जलाएंगे तभी आपका पैसा जो भी है आपके अकाउंट में जाके एड होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं कि मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि 20 बार क्या करता हूँ, यहाँ से बल्ब को जला लेता हूँ और बीच में आपका कहीं भी टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आप एप्लीकेशन करने का डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा तभी जाके आप यहाँ से आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ टास्क कंप्लीट कर दिया। अब आपको बता दूँ कि यहाँ से स्पिन करके आपको कैसे अर्निंग करना है। साइड में देख सकते हैं यहाँ पे स्पिन करने का ऑप्शन दिया है तो इस पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे स्पिन का ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपल से ये भी 20 बार आपको पूरा करना पड़ेगा तभी जाके आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। पेटीएम अकाउंट में पैसे को विड्रॉल कर पाएंगे। तो यहाँ से किसी भी रुकेगा तो आपको उतना कॉइन मिल गया। देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉइन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से जितनी बार मतलब 20 बार इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा और यहाँ से जो बल्ब जलाने का ऑप्शन था उसको भी 20 बार कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 कॉइन हो जाएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे 100 कॉइन हो जाता है तो आपको 1 रुपया आपको पेटीएम अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 102 कॉइन हो गया है। अब सिंपल सा यहाँ से आपको क्या करना होगा, विड्रॉल करने के लिए आपको जाना होगा वॉलेट के ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं स्केच कार्ड का भी ऑप्शन है लेकिन आप ऊपर वाला जब टास्क कंप्लीट करेंगे तब यहाँ पे 3rd वाले टास्क पर आ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से विड्रॉल करने वाले विड्रॉल के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 100 कॉइन का यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 रुपया, वैसे ही 500 कॉइन का 5 रुपया यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 100 रुपया 100 कॉइन हो गया है। तो यहाँ से सिंपल से क्या कर सकते हैं, आपको टास्क को कंप्लीट करके आप अपने पेटीएम अकाउंट में 1 रुपया विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।